दोस्तों आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई ने कंफर्म्ड कर दिया है कि मेगा ऑक्शन से पहले टीमों को 5 रिटेंशन का यहाँ पर विकल्प मिलेगा, जहाँ पर टीम में मैक्सिमम 3 भारतीय खिलाड़ियों को और मैक्सिमम 2 विदेशी खिलाड़ियों को अब मेगा ऑक्शन के लिए यहाँ पर रिटेन कर पाएगी। इसी सिलसिले में सभी 10 टीमों के अब 5-5 यहाँ पर रिटेन खिलाड़ियों के नाम कन्फर्म्ड हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको A to Z सभी टीमों के यहाँ पर रिटेन खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन सी टीम आखिर कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान की टीम कौन से 3 इंडियन कौन से 2 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है। तो राजस्थान की तरफ से खबर है कि ये टीम संजू सैमसन, इसके साथ यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, जोस बटलर और ट्रेंट बोल्ट इन 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है। हालांकि इसमें शिमरन हिटमायर इसके साथ ही और भी काफी सारे खिलाड़ियों के नाम नहीं है। यूजी चहल भी रिलीज होंगे, रवि अश्विन भी रिलीज होंगे, तो वो ऑक्शन में जाएंगे, उन पर ऑक्शन में अब बिड लगेगी। तो राजस्थान की 5 रिटेन खिलाड़ी ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट रिटेंशन है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी की तरफ से अपडेट है कि ये टीम विराट कोहली, इसके साथ ही मोहम्मद सिराज, रजत पाटीदार, इसके साथ ही कैमरून ग्रीन और विल जैक्स को रिटेन कर रही है। आरसीबी की तरफ से ये 5 रिटेंशन पहले ही कन्फर्म्ड हो चुकी है। आरसीबी की टीम तो इवन आज शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देगी, और टीमों की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट रहेगी सब कुछ हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि वहां पर आपको ऑक्शन के रिगार्डिंग सारे अपडेट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की रिटेंशन लिस्ट की, तो कोलकाता की तरफ से यहाँ पर कन्फर्म्ड है कि ये टीम अपने कप्तान सुरेश अय्यर, इसके साथ ही यहाँ पर रिंकू सिंह, इसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती, इसके साथ ही सुनील नारायण और आंदर असल को रिटेन करेंगे। जहाँ पर विदेशी खिलाड़ी के तौर पर ये टीम सुनील नारायण और आंदर असल को यहाँ पर रिटेन करी, जबकि अय्यर, इसके साथ ही रिंकू और वरुण चक्रवर्ती, ये तीन यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी भारतीय विकल्पों में रिटेन हो रहे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पंजाब किंग्स की, तो पंजाब की टीम की तरफ से रिकी पोंटिंग ने बताया कि जो 5 खिलाड़ी ये टीम रिटेन कर रही है, इनमें नाम आता है यहाँ पर अर्शदीप का नाम आता है, शशांक का नाम आता है, आशुतोष शर्मा का नाम आता है, सेम करण और खगिसो रबाडा का। हो सकता है कि एक आधा खिलाड़ी इनमें से रिलीज हो जाए, ये टीम केवल 3 ही यहाँ पर रिटेंशन लेकर जाए या फिर 4 ही रिटेंशन लेकर जाए, ये तो अंत में पता चलेगा। लेकिन पंजाब की मोस्ट प्रोबेबली ये रिटेंशन रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अपडेट है कि ये टीम यहाँ पर ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप, इसके साथ जैक फ्रेजर और स्टब्स को रिटेन कर रही है। हालांकि इस टीम ने तो ऑफिशियल तक यहाँ पर कर दिया, तो दिल्ली कैपिटल्स की तो ऑफिशियल रिटेंशन यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप, जैक फ्रेजर, इसके साथ ही यहाँ पर स्टब्स इस टीम द्वारा रिटेन किए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई की तरफ से जो खबर है उसके अकॉर्डिंग ये टीम यहाँ पर हार्दिक पांड्या, इसके साथ ही रोहित शर्मा, इसके साथ ही बुमराह और सूर्या में से किसी एक को, इसके साथ ही ब्रेविस को और कोड्स को यहाँ पर रिटेन कर रही है। जहाँ पर टिम डेविड, जिनमें इन्होंने काफी अधिक इन्वेस्ट किया, उनको शायद ये टीम रिलीज कर रही है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर मुंबई की तरफ से यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की, तो हैदराबाद की टीम जिन खिलाड़ियों को रिटेन कर रही है, अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, इसके साथ ही पैट कमिंस का नाम तो इनमें कन्फर्म्ड है। इसके साथ ही यहाँ पर क्लासन और ट्रेविस हेड में से किसी एक को ये टीम रिटेन करेगी, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी को भी ये टीम रिटेन कर रही है। तो ये 5 रिटेंशन अब सनराइज हैदराबाद की तरफ से हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई की भी 5 रिटेंशन यहाँ पर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। जहाँ पर कप्तान गायकवाड, इसके साथ ही जाडेजा, इसके साथ ही MS धोनी को ये टीम रिटेन करी, इसके साथ ही पतिराना और ड्वेन कॉनवे, रचिन रविंद्र में से किसी एक को ये टीम रिटेन करेगी। हालांकि शिवम दुबे इस यहाँ पर रिटेंशन में शायद इस टीम में यहाँ पर फिट नहीं बैठ पाएंगे। जहाँ पर जाडेजा और दुबे में से किसी एक को रिटेन करने का मौका मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जाडेजा पहली चॉइस इस टीम की है। तो ये यहाँ पर चेन्नई की रिटेंशन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ से KL राहुल रिलीज हो रही है, कन्फर्म हो चुका है ये टीम। मयंक यादव, इसके साथ निकोलस पुरन, मार्कस टोरेंस, मोइजिन खान और रवि बिश्नोई को रिटेन कर रही है। तो कुल मिलाकर लखनऊ की रिटेंशन अब पूरी तरीके से कन्फर्म्ड हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस को, गुजरात की टीम शुभमन गिल, राशिद खान, डेविड मिलर को, इसके साथ ही यहाँ पर शरी सुदर्शन को और मोहम्मद शमी को रिटेन कर रही है। तो कुल मिलाकर विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर राशिद खान और मिलर रिटेन होंगे। भारतीय विकल्पों में शुभमन गिल, शरी सुदर्शन और मोहम्मद शमी यहाँ पर रिटेन हो रहे। तो ये सभी टीमों के यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल रिटेन खिलाड़ी, आप कमेंट करके बताइए आपको सबसे बढ़िया आखिर कौन सी टीम की रिटेंशन लिस्ट लगी और सबसे बेकार कौन सी टीम की लगी, आप कमेंट जरूर करें।